प्यारे साथियों, कहते हैं कि भागीरथ ने 1000 वर्ष तपस्या की थी अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए, और तब गंगा विष्णु के कमंडल से अमृतधार बनकर के शिव की जटा में विराजी, और फिर गौमुखी शिव ने एक लटा पर्वत पर लटकाई तो अमृतधार भागीरथ के रथ के पीछे पीछे हरिद्वार कणखल होती हुई गढ़ मुक्तेश्वर होती हुई और त्रिवेणी सागर में गंगा सागर में जाकर के पड़ती है। इतने लंबे अरसे में जितने भी हमारे संसार के ऋषि और महात्मा होते हैं तप करने के लिए, सब गंगा के किनारे ही जाते हैं। और यहाँ तक बात है कि हमारा जीवन और मरण भी गंगा के साथ ही है, तो इसलिए एक भजन में क्या दर्शाया है वो ये दर्शाया है। अरे गंगा मैया तेरे किनारे कैसी होती जय जयकार, री जो तने मनावे तू कर दे बेड़ा पार, री जो तने मनावे तू कर दे बेड़ा पार। ओ गंगा मैया तेरे किनारे कैसी होती जय जयकार, री जो तने द्वार बिराजी जहाँ तप करते तपदारी, जहाँ तप करते तपदारी, जहाँ तप करते तपदारी, हरि द्वार गौमुखी बिराजी जहाँ तप करते तपदारी, जहाँ तप करते तपदारी, शीतल धारा अमृत बन के जो काट सभी बीमारी, ओ जो काट सभी बीमारी, ओ शीतल धारा अमृत बन के जो काट सभी बीमारी, जो काट सभी बीमारी, जो नहावे गंगा जी प्यारी जो हो मुक्ति का द्वार, तने मनावे मैया करी जग में कला सवाई, ओ करी जग में कला सवाई, ओ रविदास गोस्वामी मैया करी जग में कला सवाई, करी जग में कला सवाई, 7000 सगर के बेटे दिए स्वर्ग लोक पहुँचाई, ओ दिए स्वर्ग लोक पहुँचाई, ओ 7000 सगर के बेटे दिए स्वर्ग लोक पहुँचाई, दिए स्वर्ग लोक पहुँचाई, मरण जीर्ण में गंगे माई करी ती जन का उद्धार, मनावे तू कर दे बेड़ा पार।
पार नहीं है, तेरा आर पार नहीं है, द्वार में मैया तेरा आर पार नहीं है, वो तेरा आर पार नहीं है, हरिद्वार कटी त्रिवेणी में तेरा वार पार नहीं है, लगाते हैं जाकर के गंगा के किनारे और कहते हैं कि मां हमारी भी अर्जी सुन। है भाटी परिकाश दीवाना दे दर्शन गंगा माई, ओ दे दर्शन गंगा माई, पुनवासी गंगा नाई तेरी आके ज्योति जड़ाई, ओ तेरी आके ज्योति जड़ाई, ओ पुनवासी गंगा नाई तेरी आके ज्योति जड़ाई, तेरी आके ज्योति जड़ाई, मेले में दई बाट मिठाई कैसी होती जय जयकार, साथियों जब सारी रात हरि कीर्तन होता है और ये हमारे जो साथी हैं कलवा पान भंडार पप्पू पंचोरी ललित वगैरह ये जितने भी होते हैं सब हमारे साथ होते हैं, तो सुबह 4 बजे कहते हैं पूर्णमासी के दिन उस गंगा में एक परभी आती है, परभी कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन गंगा में एक दूध की धार बहती है और वो धार ही पापों को दूर करती है, मुक्ति का द्वारा होती है, तो सभी संसार के लोग गंगा में पूर्णमासी के दिन नहाने के लिए जाते हैं ताकि वो पर भी प्राप्त हो जाए, मगर कहते हैं वो पर भी तभी प्राप्त होती है जब उसका सुमरण करते हैं जो सच्चे दिल से उन्हीं को प्राप्त होती है, मगर ऐसा है कि शारीरिक रोग सुख संपत्ति ये सब प्राप्त हो जाती हैं गंगा नहाने से, तो एक भजन के द्वारा क्या लिख दिया ये लिख दिया, अरे गंगा नहाने से कटेंगे सारे रोग, ए भूल मेरे बंदे माती सोवे, ओ भूल मेरे बंदे माती सोवे, ओ गंगा नहाने से कटेंगे
अरे विष्णु जी के रही कमंडली बन के अमृत धार, विष्णु जी के रही कमंडली बन के अमृत धार, विष्णु जी के रही कमंडली बन के अमृत धार। फिर शिव जी की जटा विराजी दीने पावे फसा, हे फूल मैं बंदे माती शिवी के जुड़े से फिर पर्वत पर आई, धाम के पर्वत पे आई, धूम धाम शिवी के जुड़े से फिर पर्वत पर आई, धूम धाम के जुड़े से पर्वत पर आई। भागीरथ के तप के कारण मुक्ति भी करवाई, अरे भूल में बंदे कण खल से चल करी गढ़ मुक्तेश्वर आई, हरिद्वार मुक्तेश्वर आई, मुक्तेश्वर आई। सगर वंश की मुक्ति करके फिर त्रिवेणी दाई, अरे मूल हमारी जो पार्टी है और हमारे जो कैसेट मालिक हैं, ये भी हर पूर्णमासी के लिए गंगा नहाने के लिए जाते हैं, तो कुछ हमारे साथी कैसेट विक्रेता हैं जिनका नाम है कलवा पान भंडार, यानी वो कलवा भाई जो हैं, वैसे तो जाति से मोमडंस हैं मगर गंगा के बड़े सच्चे पुजारी हैं। और वहीं पर हमारे ज्ञानेश, गोपाल, बबली, बहुत से साथी होते हैं जो हमें मिलते हैं और हम उनके साथ ही गंगा किनारे जाते हैं, और क्या महिमा गाती है हमारी पार्टी, ये गाती है। अरे तू पावन, तेरा पावन धाम,
जय जय मैया तुझे प्रणाम। तू पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया, जय जय मैया। एक जगह मा तू न रहती, एक जगह माँ तू न रहती, एक जगह माँ तू न रहती, युग युग से तेरी धारा बहती, युग युग में तेरी धारा बहती, युग युग में तेरी धारा बहती, दुख हरने का तेरा काम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। तू हर जन का पालन करती, तू हर जन का पालन करती, तेरे बिना ना किसी को शर्ती, तेरे बिना ना किसी को शर्ती, तेरे बिना ना किसी को शर्ती, पूजन हो तेरा सुबह शाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। सब जग की मात कहाई, तू 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 सब जग की मात कहाई, सुरग लोक से गंगा आई, सुरग लोक से गंगा आई, तुझको दावे मुलक तमाम, जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। है प्रकाश आस में तेरी, है प्रकाश आस में तेरी, है प्रकाश आस में तेरी, सुध लेगी कभी मैया मेरी, सुध लेगी कभी मैया मेरी, सुध लेगी कभी मैया मेरी, हरदम रटता तेरा नाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया तुझे प्रणाम। पावन तेरा पावन धाम, जय जय मैया। प्यारे साथियों, जब हम गढ़गंगा पर जाते हैं तो हमारे एक साथी मिलते हैं, पप्पू पचौरी, नरेश चौधरी, योगेश और ललित। ये चारों साथी हमें गंगा के किनारे ले जाते हैं और कहते हैं कि भाटी जी, आप और ये कैसेट वाले, श्याम कैसेट वाले,
हर पूर्णमासी के दिन नहाने के लिए आ जाया करो। वहां पर हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, जैसे कि करोड़ों की कीमत का होता है एक शीशे का मंदिर, और नक्का कुआ तो होता ही है प्राचीन काल से। कहते हैं उस नक्के कुआ पर राजा परीक्षित की घरवाली नवलदे स्नान किया करती थी, पानी भरती थी, इसीलिए उसको नक्का कुआ कहते हैं। और 50-60 फुट ऊंची ब्रजघाट पर एक हनुमान की मूर्ति को दिखाते हैं तो बड़ा ही रोमांचक मेला होता है। गंगा जी के नारे लगते हैं, हवन होते हैं, प्रवचन होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, कथा होती है, और गंगा स्नान करके सब तिलक करते हैं और कहते हैं गंगा किनारे पुण्यदान करने से विमुक्ति होती है। जिन लोगों के पितृ पूर्वज मर जाते हैं वो भी उनकी अर्थियां, उनके दीप गंगा के किनारे जाकर के जलाते हैं, उनकी आत्माओं को शांति दिलाते हैं। तो कैसा प्यारे साथियों, कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन उस गंगा में पर भी कहते हैं कि उस गंगा में एक दूध की धार बह करके आती है, और जिस प्राणी को वो दूध की धार टकराती है या शरीर से टच हो जाती है या जो लोग उसका दर्शन कर लेते हैं वही मुक्ति के हकदार होते हैं। तो उस परबी के कारण ही ऋषि और महात्मा गंगा के किनारे धोना लगाते हैं, और हमारे कलवा भाई भी गंगा के किनारे ही कैसेट की दुकान करते हैं और गंगा के सबसे बड़े पुजारी हैं। मगर पता नहीं वो परबी हमें या कलवा को या हमारे कैसेट मालिक को कभी प्राप्त होगी या नहीं। जाते जरूर हैं गंगा नहाने के लिए हर पुनवासी, तो वो परबी की बाबत एक भजन लिख दिया है। और क्या अरे परबी गंगा की राम जन किसी को आन मिलेगी, परबी गंगा की राम जन किसी को आन मिलेगी, गंगा नाई हर पुनवासी गंगा नाई, हर पुनवासी गंगा नाई, हर पुनवासी गंगा नाई, हर पुनवासी गंगा नाई, फिर भी पर भी हाथ न आई, फिर भी पर भी हाथ न आई, फिर भी पर भी हाथ न आई। जब परबी आती है तो कहते हैं साक्षात गंगा माई दर्शन देती है परबी के साथ, फिर भी परबी हाथ न आई, फिर भी परबी हाथ न आई, दर्शन दे जागी माला जिसके गले पड़ेगी, परबी गंगा की राम जन किसी को आन मिलेगी।
कहता हूँ गंगा भी नहानी है तो सच्चे दिल से नहाइए, ना कि मेरे में इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं होता। कंधा मारने से अगर गंगा नहानी है तो गंगा ही नहानी है। सच्चे मन से गंगा नहा ले, 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 चौमुख दिबिला जोत जला ले, चौमुख दिबिला जोत जला ले, काले द्वारा में दे दो भक्ति कहाँ मिले, पर भी गंगा दर्शन पा जा, जो मैया का 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 दर्शन पा जा, मोक्ष पति पति बंदा पा जा, मोक्ष पति पति बंदा पा जा, आजा सुखपति ऐसी दौलत कहाँ मिले। साथियों, ये गंगा अवतरण का कार्यक्रम आप श्याम कैशिक के सौजन्य से सुन रहे हैं। इसमें कुछ भजन मुकुट बिहारी शर्मा ने लिखे हैं, जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और गायक तो वही पुराने प्रकाश सिंह भाटी हैं, साथ ही वीर सिंह, कृपाल सिंह और हमारे महाशय जनार्दन
और एक नए युवक साथी हैं करमवीर। तो ये प्रोग्राम श्याम कैशिक के सौजन से आप तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम है गंगा अवतरण, यानी कि गंगा इस पृथ्वी पर किस तरह आई और कैसे आई। कहते हैं कि राजा जनक के यहाँ विश्वामित्र रामचंद्र को बताते हैं कि किस तरह गंगा आई थी, और कहते हैं कि हे रामचंद्र, सगर वंश में राजा सगर ने तपस्या की थी 60,000 पुत्रों की, भृगु ऋषि के वरदान से उनके यहाँ दो रानियाँ थीं, एक रानी ने असमंजस नाम के पुत्र को पैदा किया और केशनी नाम की जो रानी थी उसके एक तुम्बी पैदा हुई जिससे 60,000 पुत्र पैदा हुए। मगर वो असमंजस जो था वो इतने बुरे कार्य करता था कि जो सरयू नदी में बच्चे नहाते थे उन्हें डबोता था। तो राजा ने प्रजा की आवाज सुनकर के सगर ने उसको नगर छोड़ने का आदेश दे दिया और साथ में ही अश्वमेध यज्ञ करने की सोच ली। जब अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़ा छोड़ दिया, वो घोड़ा इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने घोड़े को तलाश करवाया, 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि मेरे घोड़े को तलाश करके लाओ और अगर कहीं घोड़ा तलाश ना हो तो पृथ्वी को खोद कर भगा दो। तो 60,000 पुत्र इसी तरह पृथ्वी को खोदते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। इंद्र ने धोखा करके घोड़ा बांध दिया था और जब घोड़ा प्राप्त हो जाता है तो कपिल मुनि उन्हें श्राप देते हैं। तो कहते हैं राजा सगर की तीसरी चौथी पीढ़ी में भागीरथ होता है और भागीरथ तपस्या करता है और किस तरह गंगा को इस पृथ्वी पर लेके आता है और क्या होता है, ये प्रोग्राम आप श्याम कैशिक के सौजन से सुनेंगे। बोल गंगे माई की मेरा कर दे बेड़ा पार, गंगे महारानी मेरा कर दे बे लोक से गंगा आई। ब्रह्मलोक से गंगा आई, ब्रह्मलोक से गंगा आई, ब्रह्मलोक से गंगा आई। बैठी निर्मल धारी गंगे महारानी, मेरा कर दे
हर की पैड़ी गंगा आई, संत रहते हैं साथियों, हमारी पार्टी जब पुनवासी को जाती है गंगा के किनारे, तो धर्मशाला में हम भी और हमारे ये जो साथी होते हैं भजन कीर्तन गाते हैं, और हमारे महाशय जनार्दन की घरवाली तो हर पुनवासी को कहती है, जी मैं भी आपके साथ चलूंगी और गंगा नहा करके आऊंगी। और किस तरह कहती है वो बेचारी, ये कहती है, भजन में सुनिए। अरे चलो गंग किनारे गंगा के मेले में, अरे चलो गंग किनारे गंगा के मेले में, गंगा के मेले में, अरे चलो गंग किनारे गंगा
दीप ने वासी भाई, गंगा दीप ने वासी भाई, गंगा दीप ने वासी भाई, नावण जा सभी लोग लुगाई, नावण जा सभी लोग लुगाई, नावण जा सभी लोग लुगाई, अरे सुन प्रीत में प्यारे जाऊं करके, गंगा माँ का पूजन करके, गंगा माँ का पूजन करके, गंगा का पूजन कर आऊं, गंगा का पूजन कर आऊं, गंगा का पूजन कर आऊं, मल मल गोते गंगा नहाऊं, मल मल गोते गंगा नहाऊं, मल मल गोते गंगा नहाऊं, अरे नागर मुख हारे हरे पुणे वासी जाऊं, मैं तो हरे पुणे वासी जाऊं, मैं तो हरे पुणे वासी जाऊं, अपना सोरणी गात बनाऊं, अपना सोरणी गात बनाऊं, अपना सोरणी गात बनाऊं, अरे हो मारे न्यारे माया के ढेले ब्रह्म ज्ञानी मैं माँ गंगा वेद बखानी, मैं माँ गंगा वेद बखानी, मैं माँ गंगा वेद बखानी, अरे पर डाके नारे भर भर जाठे ले साथियों। कहते हैं गढ़ मुक्तेश्वर में कपिल मुनि का आश्रम था और वहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का ऋषि के श्राप से उनकी आत्मा त्राही त्राही कर रही थी। तो भागीरथ किस तरह गंगा को लेकर के आया और वहां गढ़ में 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई, तो इसलिए उसको आज गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से पुकारते हैं। और क्या होता है, एक भजन के द्वारा हमारे मुकुट बिहारी शर्मा जी ने क्या एक भजन में लिख दिया है।
कमलधारा मनी मोलिया गंगे महारा। विष्णु के चरणों लिपटानी विष्णु के चरणों प्रगटानी भोले के सर पर लिपटानी भागीरथ ने तप जपी कीना पर ब्रह्मा जी ने दे दीना बहुत सी नदिया जाई संग बहुत सी नदिया जाई संग बहुत सी नदिया जाई अरे फिर आई थी हरिद्वारा मने बोलिया गंगे महारा हो कटी सी चले चक्कर की धारा अरे मने बोलिया गंगे हमारा हो कटी सी चले चले की के प्राग राज में आई चल के प्राग राज में आई चल के प्राग राज में आई यमुना को फिर संग में लाई 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 अरे फिर गई समंद के धारा मनी मोलिया गंगे मारा हो कटी सी चले चले की धारा मने मोलिया गंगे हमारा हो कटी सी चले चले की धारा मने
करे सागर में तने जाके, सागर में तने जाके, सागर में तने जाके, गंगा सागर नाम कहा के, गंगा सागर नाम कहा के, गंगा सागर नाम कहा के, अरे तने सागर कहे पाता जने तेरे तट पे आवे, प्रेमी जने तेरे तट पे आवे, प्रेमी जने तेरे तट पे आवे, फूल बताशे भेंट चढ़ावे, फूल बताशे भेंट चढ़ावे, फूल बताशे भेंट चढ़ावे, ओ तेरी बहन दूध की धारा, मनी बोलिया गंगे मारा, कोई तेरे जल को लावे, जो कोई तेरे जल को लावे, जो कोई तेरे जल को लावे, कहते हैं कि गंगा माँ के जल को ला करके अगर शिव के सर पे चढ़ा दे, जैसे कि ये आजकल लोग कांवर लाते हैं और शिव के मंदिर में शिव पर चढ़ाते हैं, कहते हैं उन्हें मुक्ति का द्वार मिल जाता है, जो गंगा से जल ला करके शिव के सर पर चढ़ाते हैं। तो कवि ने क्या लिख दिया है, जो गंगा का जल ले आवे, जो गंगा का जल ले आवे, जो गंगा का जल ले आवे, शिव के ऊपर आन चढ़ावे, शिव के ऊपर आन चढ़ावे, कर दे भविष्य पारा, मनी बोलिया गंगे मारा, तेरे जल की मैं मागाई, 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 जो नाया वने मुक्ति पाई, जो नाया